कंगना अभी जिस रूप में मैं उनसे मिला हूँ वो क्वीन है हमारे लॉकअप की, सो उनके सामने सिर्फ काम की बात कर कि तुमने तुम्हारी ड्यूटीज पूरी की है कि नहीं, उनसे कोई और बात करना तो वो प्लेटफॉर्म पर पॉसिबल ही नहीं। उनसे आप बात कर रहे हो, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं ये तक नहीं बोल पाया उनको कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई वॉज लाइक मैडम 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 शी इवन टोल्ड मी यू कैन कॉल मी कंगना, पता नहीं मेरे से वो होगा नहीं, मैं आई होप यू डोंट माइंड मी कॉलिंग यू मैडम, आई विल स्टिक टू दैट बिकॉज आई लुक अप टू यू। सो उससे ज़्यादा लॉकअप में तो सिर्फ लॉकअप की बातें होती हैं, बट या अब जो लॉकअप के डायरेक्टर हैं आज सुबह सुबह ही उनने मेरे जोगन के वीडियो पर बोला है कि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लॉर्ड विनीत। मैंने 1 मिलियन व्यू जब जोगन का हो गया तो मुझे ट्रोल किया जा रहा है सब जगह ट्विटर पे कि लॉर्ड विनीत हूँ मैं लॉकअप का, लॉर्ड कुछ करता नहीं है बस सिर्फ देखता रहता है। सो मेरे डायरेक्टर के लॉकअप ने कमेंट किया मेरे वीडियो में, मतलब 1 मिलियन व्यूज एंड काउंटिंग, तो उन्होंने लिखा इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लॉर्ड विनीत। एक उन्होंने कि मस्ती की मेरे साथ, तो अभी पूरी दुनिया देख रही है और देखेगी बिकॉज सी इवेंचुअली इट इज़ नॉट अबाउट दिस जोगन इज नॉट वन मैन्स गेम, लेट अस पुट इट दिस वे। डायरेक्टर का विजन 14 घंटे में इस वीडियो को बनाना, 13 से 14, गायक की आवाज़ जो वीडियो बिना देखे भी कनेक्ट कर ले और लोगों को गुनगुनाने पे मजबूर करे, उसके बाद आते हैं एक्टर्स जो उसमें अपना इनपुट डालते हैं, सो दैट यू नो विजुअली आल्सो इट बिकम्स अपीलिंग, ना ही कि यू नो कि भैया ऐसा है कि गाना तो बहुत अच्छा गाया। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि इतना जब अच्छे गायक ने ये गाना गाया है, डायरेक्टर अपनी जान लगा रहा है, तो एज एन एक्टर ऑफकोर्स निशांत एंड सबा दे आर सीजनड एक्टर्स। इधर बात मेरी थी पर्सनली कि जो हमारी बात भी हो गई थी, डायरेक्टर ने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि देखो भैया शुरू में मैं ये सोच रहा तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम अच्छा कर रहे हो तो मैं ये कर रहा। सो मेरे लिए ऑन द स्पॉट चैलेंज था कि मुझे अब अच्छा करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको कोई चीज़ अपॉर्चुनिटी मिली है, और जब अपॉर्चुनिटी मिली है तो फिर उसको दोनों हाथ से आपको ग्रैब करना आना चाहिए। एंड आई एम हैप्पी यू नो कि मुझे ऐसा ज़रा भी फील नहीं हुआ है कि यू नो निशांत यहाँ है, सभा यहाँ है और मैं यहाँ हूँ, ये फील नहीं करवाया। उसका प्रूफ है आपके सामने, यू सी द पोस्टर, सभा निशांत आई है तो मेरे को रखा है ऊपर, मेरा सोलो पोस्टर बनाना, आई एम सो हैप्पी यू नो। वो गाना शुरू होता है मुझसे और लगभग ख़त्म होता है मुझ पर, सो इससे अच्छी चीज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। आई एम अगेन सो 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 थैंकफुल टू अमित सर एंड मुश्तबा भाई along with Sabha, Nishant and the production team of PhotoFit to have me on the board and you know to make this song a successful song. Abhi main bata raha hu it is million and it is counting, hardly kuch time hua and I'm quite sure ye motivate karega hum sabko fir se ek sath aake isse kuch better karne ke liye. Thank you so much. Ye sab inka bahut hard work hai in sab cheezon mein, तभी ये गाना बहुत सक्सेस हुआ है और काफ़ी काउंटिंग चल रही है। गान का एक गाने का प्लीज, जोगन का, जोगन का, जोगन का एक लिरिक। मेरी एंट्री, मेरा इस एल्बम में आना वॉज गॉड सेंड। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मुश्तबा भाई यहाँ पर है और आई एम हिज ह्यूज फैन, ह्यूज फैन। इनसे भी पहले मैं इनके पिताजी का फैन रह चुका हूँ, बचपन से ही उनके पिताजी के बारे, अज़ीज़ नाज़ा साहब के बारे में सुन सुन के बड़ा हूँ। अज़ीज़ नाज़ा साहब वॉज अ वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड टू माई फादर, मैं जिनके बारे में सुन के बड़ा हुआ हूँ, और आज देखिए आज उनके बेटे के साथ, मुस्तफा भाई के साथ, वो हिमसेल्फ इज़ अ स्टार सिंगर, ये मौका मिल गया और इट वॉज गॉड सेंट। और जब मैं पहली बार यहाँ पर आया, आई मेट अमित सर, और अमित सर में से मिले, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा है, ये है, तो ऐसा रहेगा। लेकिन जितना मेरी एल्बम, ये मेरी पहली एल्बम है, तो जितना मेरी एल्बम की समझ है, तो मैं खुश तो हो गया था कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन एन एल्बम। लेकिन जब मैं ऑफिस से निकला, सो आई वॉज लाइक मैं हाथों बोल के आया, लेकिन क्या ये मेरे साथ जस्टिस होगा?
क्योंकि एल्बम में अक्सर क्या होता है, हीरोइन हीरो हीरोइन होते हैं और विलन बस आया गया दिखा विखा और हो गया उसका काम। थोड़े कश्मकश में था कि यार मैं बोल तो दिया एक्साइटमेंट में हाँ हाँ करूँगा, और फिर बस वो सोच थी मेरे मन में, एक डर था मेरे मन में कि यार कि मैंने गलती से हाँ तो नहीं कह। फिर मैं अमित सर से सेट पर मिला और अमित सर ने शुरू की मेरे साथ शूटिंग, और मतलब मैं ज़िंदगी भर उनका ये एहसान नहीं भूलूँगा, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पर मेरे 3-4 सीन लगने वाले थे प्रोमिनेंट, ही सॉ दैट फायर इन मी, ही सॉ दैट स्पार्क इन मी, और उन्होंने मेरे हर सीन को जमा के शूट किया, क्रिएटिवली मेरे अंदर का, मेरे को भी अंदर से उन्होंने परफॉर्मेंस बेस कि मैं उस पर परफॉर्म कर सकूं, उस सीन में खरा उतर पाऊं, उन्होंने वो चीज़ मेरे अंदर से लाई। और जब मैंने एंड गेम देखा इसका, द फाइनल रिजल्ट, आई वाज सो हैप्पी। मतलब मैं आज तक का, मैंने लगभग 15-16 शोज किए हैं और सब अच्छे किए हैं मैंने, इम्पैक्टफुल वाले, लेकिन जो ये चीज़ मिल गई मुझे, ये ज़िंदगी भर ये चीज़ मेरे लिए बहुत करीब होगी मेरे, क्योंकि ये किसी एक इंसान का या एक आर्टिस्ट का योगदान नहीं है, ये दिस इज़ अ टीम वर्क। देन लेट इट बी मुज्तबा भाई सॉन्ग, जो उनके पिताजी की याद दिलाता है मुझे, अब उनके ऑफकोर्स ही हैज़ टू वर्क मोर हार्ड टू रीच अप टू हिज फादर स्टैंडर्ड, जो एक स्टैंडर्ड एक बना के गए हैं। उनका गाना सुन लीजिए, अब कव्वाली सुन लीजिए, चढ़ता सूरज, तो लगेगा मुज्तबा भाई के लिए आज की तारीख में कोई प्रेरणा है तो बस उनके पिताजी। उनके आवाज़ में गाना जब मैंने सुना, सो आई वॉज इज फैन। मैं नहीं जानता था कि अजीज साहब के बेटे हैं, लेकिन जब मैंने देखा मुज्तबा अजीज नाजा, तो मेरे दिल में किधर ना किधर वो बात रह गई कि काश ये वही हो, वही हो। और आज बस 5 मिनट पहले मैंने खुलासा किया, कहीं आप अजीज नाजा के बेटे ही है ना कि कोई, तो मैंने बोला हाँ, तो मैं इतना खुश हो गया। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई फादर अ फ्यू ईयर्स बैक, अदरवाइज वो इधर आ जाते अभी उनको गले लगाते, बिकॉज ही वॉज थिक फ्रेंड्स विद अजीज नाजा साहब। सो वी हैड अ फंकार, फंकार के बेटे जो खुद फंकार बनने के प्लेटफॉर्म पे ट्रैक पर आई गए, देन अमित सर हो गए जिन्होंने जस्टिस किया मेरे रोल को लेकर, फिर द प्रोडक्शन टीम ऑफ फोटो फिट, यू नो took care of us, you know, so nicely, जो हमारा पूरा ट्रीटमेंट रहा, it was excellent, उन्होंने, it was like a family, we stayed there, और icing on the cake, आज आप जब ये वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है कि यार इस पर लगे रहेंगे एक आध हफ्ता, ये पूरा वीडियो एक दिन, not even 24 hours, मैं समझ से 16-17 घंटा, 13 आवर अगर हम लोग लंच और ब्रेक टाइम लेते हैं तो 13 आवर, पूरा जोगन 13-14 घंटे में बना। तो मतलब बाय इटसेल्फ आज जब मैं वीडियो देखता हूँ तो कोई भी देख के मुझे बोलता है, बोला बहुत दिस इज लुकिंग लाइक अ फिल्म। जब मैंने अपने फ्रेटर्निटी में, टीवी फ्रेटर्निटी में इसको बोला, बोला गाना तो अच्छा है, फिल्म कभी रिलीज हो रही है। सो इट गेव देम, डिड जस्टिस टू मुज्तबा भाई वॉइस, जो लीड पैर है हमारे निशान एंड सबा, और काफ़ी हद तक मेरे साथ, और with the director, with the producer, with everybody, with the team. Sorry to interrupt on this. What was your first Jogan launch के दौरान आप नहीं थे, आप lockup show में थे, काफी उस वक्त में भी चर्चा रही आपकी, but what was your first compliment you got जब आप lockup से बाहर आए, और क्या पहला आपको आपके Jogan song के लिए compliment मिला? मैं जब lockup में भी था तो मैं मिलके गया था team से कि okay कब है कैसा है, तो लॉकअप में भी था तो कभी कभी अकेले बैठ के मैं गाना गुनगुनाता था और मैं सोचता था ये गाना कैसे हुआ रहेगा, पब्लिक का रिस्पांस क्या रहा होगा। जैसे मैं लॉकअप से बाहर निकला, मुझे पहला कॉल आया टोरंटो से, फैमिली से, बोला वो क्या लुक लग रहा है और वो क्या गाना लग रहा है, मतलब कौन सा, मैं तो लॉकअप में भी लॉकअप से निकले गाड़ी में बैठा था, बोला वो क्या गाना है और क्या लुक है, वो क्या वीडियो बना है, इट इज़ लुकिंग लाइक अ फिल्म। सो द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सून आफ्टर आई केम आउट ऑफ लॉकअप वॉज अबाउट जोगन। और अगर आप मेरा इंस्टा देखें या फेसबुक देखें तो मैंने लॉकअप का एक या दो ही वीडियो डाला रहेगा, मैं कंटिन्यूसली, मैंने कल भी एक जोगन का वीडियो डाला और आज भी एक डाला और कल भी एक डालूंगा। दिस सॉन्ग समहाउ, मैं घर पे जाता हूँ, मैं पहले चीज़ बोलता हूँ, एलेक्सा प्ले जोगन।
So I like that song so much. Thanks so much, Mustafa bhai, for you know giving your voice, and I can't tell you. Same hai bhai, aap logon ne bhi jo kamal kiya hai, matlab hamare jo Vineet bhai yahan baithe hain, एक्चुअली लगता नहीं कि वही विनीत भाई है जो उसमें दिखते हैं, मतलब इतना खौफनाक आँखों से जो उन्होंने जो उसमें आग लगाई है, तो वो कमाल का परफॉर्मेंस है विनीत जी का, निशान जी का, सभा जी का।